मुझे कुछ कॉल नहीं आया, कुछ नहीं। मेरी 1:30 बजे रात में विवेक से लास्ट बात हुई थी जी। कल अपन के फ़ोन की लॉन्चिंग थी, उन्होंने कहा तो वो अपना स्टाफ जो है, क्योंकि 1:30 से शॉप्स बंद हुई थी तो स्टाफ ड्रॉप करके आ रहे थे। उन्होंने मुझसे बताया कि मैं सना को ड्रॉप करके आधे घंटे में घर पहुँच रहा हूँ। 2 बजे तक मैंने वेट किया, उसके बाद मैं लगातार कॉल किए जा रही हूँ। 2 मोबाइल थे उनके पास, बराबर रिंग जा रही थी दोनों मोबाइल पर, कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर 3 बजे के आसपास किसी ने कॉल उठाया और उसने मुझसे ये बोला कि मैडम ये सर का एक्सीडेंट हो गया है, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी बहुत खरोच आई है, इनकी पट्टी हो रही है। मैं लोहिया हॉस्पिटल का कर्मचारी बोल रहा हूँ। जब मैं लोहिया भाग के पहुँची 3:15 बजे, तो डॉक्टर कुछ बताने के लिए रेडी ही नहीं। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद क्या कहते हैं, तब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ आए थे, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन मैडम उनकी पल्स जा चुकी थी और हम कुछ कर नहीं पाए। मैंने सोचा शायद यही हुआ होगा। फिर मैंने पुलिस से कहा मुझे वो जगह देखनी है। मैं फिर पुलिस वाले मुझसे कहने लगे, वो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा उनके बारे में बोलने लगे। मैंने कहा ये सब नहीं हो सकता है, आप मुझे दिखाओ एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। पुलिस मुझे लेके गई, गाड़ी में सामने से गोली का निशान है। तो गाड़ी में जब आप सामने, क्यों पुलिस वाले ने गोली मार दी भाई, क्यों? एक सीधा साधा बंदा, एक रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा था, आपने गोली मारने का राइट किसने दिया आपको? पुलिस कह रही है लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। आपत्तिजनक हालत में थे तो तुम पकड़ के ले जाते, वहाँ जाके तुम कॉल करते, बुलाते सबको, तुम्हें जो करना होता करते। गाड़ी नहीं रोकी सर ने, गाड़ी ना रोकना कौन सा क्राइम है? कैसे गोली मारी पुलिस वाले ने, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरा मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे गोली मार दी गई विवेक को? विवेक गाड़ी नहीं रोक रहे थे तो तुम्हारा काम ये था कि तुम क्या कहते हैं पीछा करते, आते गाड़ी का नंबर नोट करते, RTO से जाके नंबर देखते, एड मैच कराते, एड्रेस निकलवाते, यहाँ आते ना, यहाँ से विवेक को पकड़ के लेके जाते, कार्यवाही करते। गोली क्यों मारी गई, किस साजिश के तहत गोली मारी गई, मुझे किसी ने एक बार भी, किसी पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे गए, उसके बाद हमारे हेड कांस्टेबल ने रोका तो उसके ऊपर उसकी बाइक पर गाड़ी चढ़ाने लगे। तो फ़ोन की लॉन्चिंग थी, उन्होंने कहा तो वो अपना स्टाफ जो है, क्योंकि 1:30 से शॉप्स बंद हुई थी तो स्टाफ ड्रॉप करके आ रहे थे। उन्होंने मुझसे बताया कि मैं सना को ड्रॉप करके आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं। 2 बजे तक मैंने वेट किया, उसके बाद मैं लगातार कॉल किए जा रही हूं। 2 मोबाइल थे उनके पास, बराबर रिंग जा रही थी दोनों मोबाइल पर, कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर 3 बजे के आसपास किसी ने कॉल उठाया और उसने मुझसे ये बोला कि मैडम ये सर का एक्सीडेंट हो गया है, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी बहुत खरोच आई है, इनकी पट्टी हो रही है। मैं लोहिया हॉस्पिटल का कर्मचारी बोल रहा हूँ। जब मैं लोहिया भाग के पहुँची 3:15 बजे, तो डॉक्टर कुछ बताने के लिए रेडी ही नहीं। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद क्या कहते हैं, तब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ आए थे, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन मैडम उनकी पल्स जा चुकी थी और हम कुछ कर नहीं पाए। मैंने सोचा शायद यही हुआ होगा। फिर मैंने पुलिस से कहा मुझे वो जगह देखनी है। मैं फिर पुलिस वाले मुझसे कहने लगे कि वो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा उनके बारे में बोलने लगे। मैंने कहा ये सब नहीं हो सकता है, आप मुझे दिखाओ एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। पुलिस मुझे लेके गई, गाड़ी में सामने से गोली का निशान है। तो गाड़ी में जब आप सामने, क्यों पुलिस वाले ने गोली मार दी भाई, क्यों? एक सीधा साधा बंदा, एक रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा था, आपने गोली मारने का राइट किसने दिया आपको? पुलिस कह रही है लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। आपत्तिजनक हालत में थे तो तुम पकड़ के ले जाते, वहाँ जाके तुम कॉल करते, बुलाते सबको, तुम्हें जो करना होता करते जी। गाड़ी नहीं रोकी सर ने, गाड़ी ना रोकना कौन सा क्राइम है, कैसे गोली मारी पुलिस वाले ने, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरा मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे गोली मार दी गई विवेक को? विवेक गाड़ी नहीं रोक रहे थे तो तुम्हारा काम ये था कि तुम क्या कहते हैं पीछा करते, आते गाड़ी का नंबर नोट करते, RTO से जाके नंबर देखते, एड मैच कराते, एड्रेस निकलवाते, यहाँ आते ना, यहाँ से विवेक को पकड़ के लेके जाते, कार्यवाही करते। गोली क्यों मारी गई, किस साजिश के तहत गोली मारी गई, मुझे किसी ने एक बार भी, किसी पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे गए, उसके बाद हमारे हेड कांस्टेबल ने रोका तो उसके ऊपर उसकी बाइक पर गाड़ी चढ़ाने लगे। तो उसके बाद उसने पीछा किया, अगर उसकी बाइक पर गाड़ी ही चढ़ा दी थी तो पीछा कैसे किया? अब पीछा अगर जब किया उन्होंने तो एक बताते हैं, पीछा किया जाके गाड़ी खुद मैडम वहाँ पर टकरा गई। किसी पुलिस वाले ने, कित आला अफसर कौन कौन थे वहाँ, मुझे किसी का नाम नहीं पता है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गोली मारी गई। और अगर एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैंने कहा मुझे उस लड़की से मिलना है, गई तो उसके यहाँ लेडी कांस्टेबल बैठा रखी है। क्या वो लड़की विक्टिम थी कि तुमने लेडी कांस्टेबल बैठा रखी थी? मैडम
लड़की क्या करती है आप जानती हैं उसको? लड़की पहले एप्पल में जॉब करती थी, उसका एप्पल से फिर जॉब से वो हट गई थी, अब वो नई जॉब की तलाश में थी यहाँ पे, और अभी कुछ दिन पहले फिर से उसका एप्पल में इंटरव्यू वगैरह हुआ था, शायद रिज्वाइनिंग वगैरह कुछ हो गई थी, वो फिलहाल वो काम ही कर रही थी यहाँ पे। वो सिर्फ एक नॉर्मल सी एम्प्लॉई थी, अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उस लड़की को तो चोट आई नहीं है, सामने से गाड़ी में गोली मार दी, कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया क्यों, और ऊपर से पुलिस वाले लीपापोती कर रहे हैं। किसी से रंजिश थी कोई, किसी तरह की? किसी तरीके की कोई रंजिश नहीं थी, 4 साल पहले हम यहाँ आए थे, सिर्फ हमारा काम से काम चलता था, वो अपने ऑफिस मैं अपने घर में। सर क्या करते थे एप्पल में? वो एप्पल में मैनेजर थे। पीछा अगर जब कर किया उन्होंने तो लड़की एक बताते हैं, पीछा किया जाके गाड़ी खुद मैडम वहाँ पे टकरा गई, किसी पुलिस वाले ने कि आला अफसर कौन कौन थे वहाँ मुझे किसी का नाम नहीं पता है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गोली मारी गई। और अगर एक्सीडेंट हुआ था फिर मैंने कहा मुझे उस लड़की से मिलना है, गई तो उसके यहाँ लेडी कांस्टेबल बैठा रखी है, क्या वो लड़की विक्टिम थी कि तुमने लेडी कांस्टेबल बैठा रखी थी? लड़की क्या करती है आप जानती हैं उसको? लड़की पहले एप्पल में जॉब करती थी, उसका एप्पल से फिर जॉब से वो हट गई थी, अब वो नई जॉब की तलाश में थी यहाँ पे, और अभी कुछ दिन पहले फिर से उसका एप्पल में इंटरव्यू वगैरह हुआ था, शायद रिज्वाइनिंग वगैरह कुछ हो गई थी, वो फिलहाल वो काम ही कर रही थी यहाँ पे। वो सिर्फ एक नॉर्मल सी एम्प्लॉई थी, अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उस लड़की को तो चोट आई नहीं है, सामने से गाड़ी में गोली मार दी, कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया क्यों, और ऊपर से पुलिस वाले लीपापोती कर रहे हैं। किसी से रंजिश थी कोई, किसी तरह की? किसी तरीके की कोई रंजिश नहीं थी, 4 साल पहले हम यहाँ आए थे, सिर्फ हमारा काम से काम चलता था, वो अपने ऑफिस मैं अपने घर में। सर क्या करते थे एप्पल में? वो एप्पल में मैनेजर थे।